Okay, get down! हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ऋषिकेश आएंगे और ऋषिकेश हम लोग पहुंच गए हैं। और अभी मैं यहाँ इस होटल के बालकनी में के अंदर खड़ा हूँ और भाई बड़ी मस्त ठंडी हवा आ रही है। एक बार सामने का व्यू भी आप लोग देख लीजिए। दोस्तों, रात पार्टी के बाद हम लगभग 8 बजे निकल पड़े थे चंडीगढ़ से, और फिर हम लगभग 2:30 बजे के आसपास ऋषिकेश पहुँचे। वैसे हम सोच रहे थे कि हरिद्वार स्टे कर ले, लेकिन रात का टाइम था तो भीड़ नहीं मिलती है, तो डायरेक्ट हम सीधा ऋषिकेश ही आ गए थे। और एक हमने फिर होटल ले लिया था, क्योंकि बस रात ही निकालनी थी, तो हमने एक ऐसे ही एक सस्ता सुंदर होटल ले लिया था। सुंदर तो नहीं, पर काम चला हुआ है, जिससे काम चल गया हमारा। तो एक बार दिखाता हूँ आपको। और बंदे भी चेंज हो गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अपने साथ था पंकज। शायद अभी तक जो विचार है वो है हमारा कि हम बिल्कुल 100% ऋषिकेश जाएंगे रिवर राफ्टिंग के लिए। तो पंकज तो चेंज हो गया, तो पंकज की जगह कोई और आ गया, और वो भाई भी उठ के आ गया। ये है दीपक धीर। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये पंकज की जगह आ गया, इसके साथ कुछ बात हो गई है, तो परेशान है ये बेचारा ना। बात नहीं बता सकते आपको। बाकी अभी अंदर दिखाता हूँ आपको, बाकी बंदे अंदर सोए हुए हैं। फिर एक बार यहाँ से रेडी वेडी होके फिर निकलेंगे। और जो राफ्टिंग वाला भी है वो भी यार नीचे ही खड़ा है। ये सारे इन पे राफ्टिंग करनी है, और इसी के लिए हम स्पेशली आए हैं। और पहले हम 3 बंदे थे, तीनों ने राफ्टिंग की हुई थी, लेकिन अब दीपक और एक बंदा और है, उसने राफ्टिंग नहीं की हुई है, तो ये फर्स्ट टाइम राफ्टिंग करेंगे और फिर आगे देखते हैं। ये हमने ले लिया था, ये कि रूम के अंदर 2 बेड लगे हुए हैं, यहाँ हम सो गए थे और यहाँ आइए भाई तरुण जी सोए हुए हैं। ये अपने रविंदर जी हैं। तो अभी दूसरी दुनिया में है ये ना, बाकी जब उठेंगे तब दोबारा मिलवा देंगे आपको। हम आ गए हैं अपना होटल से चेकआउट वगैरह करके, तो अभी राफ्टिंग के लिए हम देख रहे थे, क्योंकि राफ्टिंग बड़ी ज़रूरी है। क्यों रविंदर भाई? बिल्कुल जी, बहुत ज़रूरी है। रविंदर ने राफ्टिंग नहीं की, ऋषिकेश आए और राफ्टिंग नहीं की, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो अभी हमने यहाँ है ये, इसके पास बुक कराया है, ऑफिस है, तो इनकी डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह, तो अगर आप भी आओ तो आप इनसे कंफर्म कर सकते हैं। और प्राइसिंग जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर इनकी एक डाल दूंगा, वैसे आप सामने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, एक छोटा पिक इनकी डाल देंगे। सो अभी यहाँ से हमने बुक कर दिया, और क्योंकि हम 4 बंदे थे तो 8 के साथ राफ्टिंग होती है, तो 4 का अभी और हमें वेट है। तो उन्होंने जो टाइम दिया हमें लगभग 1 बजे का टाइम दिया, और अभी 11 बजे हैं, तो अभी हम कुछ खाएंगे फिर उसके बाद राफ्टिंग के लिए जाएंगे। तो अभी अंदर दीपक और तरुण अंदर बैठे हैं, वो कर रहे हैं फाइनल, फिर उसके बाद कुछ खाते हैं और फिर दोबारा राफ्टिंग के लिए आ जाएंगे। क्यों भाई? बिल्कुल जी, बिल्कुल। चले भाई, आओ जी फिर। अब राफ्टिंग का जो प्लान है वो थोड़ा जल्दी हो गया, क्योंकि जो हमसे पहले थे उनका कैंसिल हो गया किसी रीज़न से। तो अब रविंदर की किस्मत बड़ी तेज है, तो अब पहले मौका मिल रहा है हमें, तो अभी बस वहाँ जा रहे हैं। पर रविंदर को भूख लग पड़ी है, तो रविंदर कह रहा है कि कुछ खाएंगे, तो फिर रविंदर ने स्टार्ट करा लिया। तो भाई ये खीरे काट रहा है, और 10 रुपये का एक पीस है, एक 10 रुपये का एक पीस। अभी ये खाएंगे। तरुण जी पता नहीं कहाँ गायब हो गए, अभी तरुण जी आएंगे। तो ये भाई हमारे ये गाइड है, ये लक्ष्मण जी है, ये हमें बताएंगे कैसे रविंदर गंगा में डूबने से बचेगा। 16 किलोमीटर वाली बुक की है, उसके बाद आप देखते हैं, क्योंकि ये एक 35 किलोमीटर वाली थी तो वो बहुत लंबी हो जाती है, तो हमने 16 किलोमीटर वाली की है, तो देखते हैं कि कितना मज़ा उसमें आने वाला है। सही जा रहा है रविंदर? बहुत बढ़िया। ये रविंदर के मजा आ रहे हैं, रविंदर की खुशी देखो आप, चेहरा कितना बड़ा हो गया। और ये अपने साथ हैरी भाई है, जो ये हमें हमारे साथ जाएंगे जब हम राफ्टिंग करेंगे। हैरी भाई जाएगा और लक्ष्मण भी जाएगा साथ में, तो ये दोनों जाएंगे हमारे साथ में। तो 4 बंदे तो ये हो गए, ये तरुण जी बैठे हैं,
और ये दीपक बैठा है, और ये सही भाई, ये नहीं बस अपना लेके ना मस्त। ये तरुण जी को एक तरफ बिठाना पड़ेगा, दूसरी तरफ रविंदर को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए बैलेंस बना रहेगा ना, अगर एक तरफ हो गया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। तो चलो भाई अभी जा रहे हैं, रास्ते में 16 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, फिर 16 किलोमीटर गंगा मैया से नीचे आएंगे। तो भाई राफ्टिंग तो अभी उसके लिए जा रहे हैं, पर दीपक बड़ा उदास है, बड़ी मुश्किल से इसको मनाया राफ्टिंग के लिए। अब उदास क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको, इसकी जो वाइफ है होने वाली, उसका आज बर्थडे है और ये भूल गया भाई विश करना, तो अब आप समझ सकते हो। ये ना शुक्र है इसको शादी से पहले ही कांड हो गया, अगर मैंने शादी के बाद होता ना भाई साहब खाना नहीं मिलना था। नहीं ट्रू लव है, चल ट्रू लव है इसका, तो वो बाद में पता लग जाएगा। ट्रू लव है तभी बात नहीं हो रही। Look here, guys. Are you ready for action? Yeah. And paddle high five with me. Paddle high five like this. Hip hip. Bolo Ganga Maya ki. All right. Get ready. Take. Are you ready, guys? Go forward. All right. Stop. Go forward, everybody. Go. Continue. Go hard. Go forward! Okay, stop! Stop! Go forward! Go, go! Keep running! Keep running! Chalate raho! Chalate raho, guys! Come on, you can do it! Hello guys! Aise khade ho na and body weight paddle ke upar de rahe like this. Stand up everybody! Come on! जिसको ठंड लग रही गीजर ऑन करते थोड़ी देर बाद। सब लोग को हेल्प करना, आप एक जने इधर और भैया आप इधर आ जाइए।
पकड़े हैं 3 2 1 अपने शोल्डर में उठाने हैं। ऑलराइट 3 2 1 अप शोल्डर में रखो भैया, आप भी हेल्प करो। आ जाओ। तो भाई राफ्टिंग का बड़ा जबरदस्त मजा आया। एक बार तो रविंदर भूल गया था कहाँ था। तो अभी यहाँ मैगी पॉइंट पे रुके हैं, अभी यहाँ मैगी खा रहे हैं। तो सब उधर कैसा रहा फिर दीपक? बहुत खतरनाक था जी। खतरनाक था? बहुत ज्यादा खतरनाक था। मजा आया? हालत खराब हो गई। मजा आया? बहुत ज्यादा मजा आया। ये तो शुक्र है लाइफ जैकेट थी साथ। अब मैं यहाँ से वहाँ जंप मारूंगा जी। हनुमान बन गए। शक्तिमान शक्ति शक्ति। और तरुण जी फिर? यार ऑसम है। ऑसम रेत में लगे और उसकी वो हड्डियां टूट गई, तो उसके बाद से यहाँ बंद कर दिया कि ऊपर से जंप करना बंद कर दिया, तो अब कोई जंप नहीं करता यहाँ। ठीक भी है यार, सेफ्टी सबसे पहले है। तो भाई ये सारे सामान, ये हेलमेट वेलमेट ना सब टाइट, तब जाके मजा आता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से 16 किलोमीटर बिल्कुल बेस्ट है। अगर लंबा कर दो आप 35 किलोमीटर कर दो तो उसमें तो वैसे परेशान हो जाएंगे यार। और यार सबसे मेन बात, जो हमारा गाइड था, जो हमारे गाइड है, जो हमारा गाइड है लक्ष्मण, बहुत बढ़िया यार, बहुत नाइस पर्सन, उसने बड़ा अच्छे से गाइड किया और बड़ा मजा आया बिल्कुल ना। सो अब आगे देखते अच्छा पलवल से हो भाई? ये भाई पलवल से हैं, मैगी का मजा ले रहे हैं। और भाई ये जो व्यू है ना यार, ये बड़ा जबरदस्त है, बड़ा सुकून मिलता है यार यहाँ ना, एकदम बिल्कुल शांत, बड़ा जबरदस्त। रविंदर खाने का नहीं छोड़ता कहीं भी ना, सही है, एक नंबर। इधर तरुण जी ने भी घुमा रखा है सिस्टम सारा ना, बढ़िया है। ज़्यादा बढ़िया इसलिए अभी लग रही है क्योंकि भूख लग रही है, वो इतना फॉरवर्ड करा दिया ना लक्ष्मण ने, फॉरवर्ड बैकवर्ड के होल्ड डाउन हिप डाउन, ये डाउन वो डाउन। तरुण जी तो उसमें लगे हैं रेस्क्यू टीम में भाई साहब। तरुण जी बंदों को बाहर से खींच रहे थे बस। सही यार, बड़ा टफ वो है भाई खींचने का ना, मतलब राफ्टिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे हरिद्वार। हरिद्वार का कुछ नहीं आपको वीडियो के अंदर दिखा सके किसी रीज़न से, पर रविंदर को देख लो आप, रविंदर ने सही मस्त टिक्का टुक्का लगवा लिया। तो जच गया रविंदर ना, और बाकी सब कुछ बढ़िया रहा। क्यों तरुण जी? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल। और क्यों भाई दीपक, सही था? बढ़िया मजा आ गया, राफ्टिंग में मजा आ गया। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, ट्रैफिक की दिक्कत थी। कल सही रहे कि कल हम लेट आए तो हमें ट्रैफिक नहीं मिली, हम सीधे आराम से पहुँच गए, पर आज आते टाइम बड़ा टाइम लग गया ट्रैफिक में। और भाई सब कुछ अच्छा रहा, सिर्फ एक चीज़ अच्छी नहीं रही, वो ये भाई ये टूट गया ये बटन ना, अब ये फ्लो हो गया नीचे की तरफ पैरों में, अब एसी के फ्लो सारा नीचे पैरों में जा रहा है भाई, ऊपर कुछ नहीं आ रहा, ये नुकसान हो गया एक बस, बाकी तो सब ठीक था। और तो ये था हमारा एक व्लॉग, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। हम मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।